हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रमजान स्पेशल में कीमा और आलू के पकौड़े। देखिए बहुत ही टेस्टी होते हैं ये खाने में। तो ये मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है, पानी में करा था और उसे निचोड़ लिया है। ये देखिए तो काले नहीं हुए हैं। तो इस तरह से आप कद्दूकस कर लें आलूओं को। एक पाव कीमा ले लिया है ये मैंने, उसे भी अच्छे से निचोड़ लिया है। तो अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। तो ये देखें मसालों में मैंने नमक, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला और हल्दी पाउडर और चाट मसाला, इन सभी चीज़ों को ले लिया है। थोड़ा थोड़ा इन सभी को इसमें डाल देते हैं। और प्याज और हरी मिर्च और धनिया और अदरक इसमें मैंने ग्रेट कर ली थी, अच्छे से बारीक कट कर लिए, इसे हम इसमें डाल देते हैं। तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच बेसन डाल दिया है, ये देखिए। तो इसे हम मिला लेते हैं पहले, इस तरह अच्छे से मिला लें। तो और ज़रूरत पड़े तो बेसन इसमें और थोड़ा सा डाल लें। तो इसमें मैं थोड़ा सा बेसन और डालूंगी। लगभग 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से मिला लिया है सारे मसाले डालकर। तो अब हम इन्हें तलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैं बताना भूल गई थी, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है 1 चम्मच। तो देखिए फ्रेंड, तेल गरम हो गया है। तो इसमें हम इस तरह से हल्का सा हाथों में पानी लगाकर ऐसे थोड़ा दबाकर और गोल गोल हम ये इस तरह पकौड़ा बना लेते हैं। ऐसे पतला बनाएंगे, थोड़ा गोल वैसा नहीं बनाएंगे, इस तरह से। दबाते हुए ताकि अच्छे से सीख जाए। तो सारे पकौड़े हम इसी तरह डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें डालकर ये गोल्डन कर लेना है, अच्छे से सेक लेना है हल्की गैस पे, ताकि वो अंदर तक सीख जाए। तो सारे इसी तरह तल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सारे पकौड़े मैंने तल लिए हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं ये खाने में। और ये देखिए अंदर तक पक गए हैं। तो ये हरी चटनी या फिर सॉस के साथ आप इसे खाएं और प्यारे में आप ज़रूर बनाएं अपनी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले।